ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक भौगोलिक नगरी हस्तिनापुर के श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर के भव्य स्वर्णमयी त्रिमूर्ति जिनाले में 14 मई से 22 जून तक चल रहे 40 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान में नित्य प्रतिदिन विधान की मांगलिक क्रियाएं बाहर से पधारे अलग अलग आयोजकों की ओर से की जाती हैं, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के अलावा विदेशों के भी जैन श्रद्धालुओं द्वारा विधान कराया जा रहा है। विधान के 28वें दिन 108 परिवारों द्वारा विधान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः मुख्य वेदी में विराजमान त्रय तीर्थंकर भगवंतों के जलाभिषेक से किया गया। शांति धारा करने का सौभाग्य श्री पंकज कुमार जैन, सौरभ जैन मेरठ को प्राप्त हुआ। शांति धारा में सहयोग श्री राजेंद्र कुमार जैन पटियाला ने किया। अजराय अव्यय अस्मकम श्रीमान पंकज कुमार जी जैन, श्रीमान सौरभ कुमार जी जैन, श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमान बाबूराम, श्रीमती सेवती देवी जैन, श्री मोतीलाल सुधीर कुमार सुधीर जैन, लंदन निवासी श्रीमती दर्शन माला मिठालाल जी जैन, श्रीमती फूलवती माहेश्वरी जैन, श्री प्रेमचंद कांता जी जैन, श्री शोभा जैन, श्री विपिन कुमार जी जैन, श्री सुशील जैन, सुशीला जैन, श्री राजीव कुमार निशा जैन, श्री अरुण कुमार ज्योति जैन, श्री दिनेश जैन, बबीता जैन, श्री प्रमोद कुमार, श्रीमती सुमन जैन, श्री खेमचंद पवन कुमार जी जैन, श्री रवि कुमार जैन, सुषमा जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती वीना जैन, श्री जेसी जैन, श्री शकुंतला जैन, श्री शंभु प्रसाद जी जैन, श्री जेके जैन, श्री अजय कुमार जी जैन, श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, श्री राजीव कुमार जी जैन, श्री अजय किशोर जी जैन, श्री श्यांकी युगंग जैन, श्री सतीश कुमार जी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्रीमान विजय कुमार जी जैन, श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमान सुनील कुमार जी जैन, श्रीमान विनोद कुमार, श्री मंजू जैन, श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन, श्री एसपी जैन, श्री सुशील कुमार जी जैन, श्री आशीष जैन, प्रकाश चंद जी जैन, श्री योगेंद्र कुमार जी जैन, श्री कमला देवेंद्र कुमार जी जैन, श्री श्वेता विनीत कुमार जी जैन, श्रीमती अर्चना राजेश जैन, श्री सुनील कुमार जी जैन, श्री नीलम कोटिया, श्री रजनीश चंद जी जैन, श्री नार सिंह जी जैन, श्री शाहरुख कॉपर मिल, श्री अरुण कुमार जी जैन, श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन, श्री अजित प्रसाद जी जैन, श्रीमान तारा चंद जी जैन, श्री राम भूल जी जैन, श्री राकेश कुमार जी जैन, श्रीमान हरिश्चंद जी जैन, श्री अखिल कुमार जी जैन, श्री अशोक कुमार जी जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, श्री जम्बू प्रसाद जी जैन, श्री अजय कुमार जी जैन, श्री तरस जैन, श्री विपिन कुमार जी जैन, श्री अनिल कुमार जी जैन, श्री अरुण जैन, श्री संजीव कुमार जी जैन, श्री रोकेश जैन, श्री कैलाश चंद जी जैन, श्री संजीव कुमार जी जैन, श्री विनोद कुमार जी जैन, श्रीमती सवित जैन, श्री मंजू जैन, श्री मालती सुजिनेन्द्र कुमार जैन, श्री विजय कुमार जी जैन, स्वर्गीय श्री शेखर कुमार जी जैन, डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी जैन, श्री जयपाल जी जैन, श्री कैलाश चंद जी जैन, श्री आशीष जैन, श्री संजय जैन, श्री अभिमान जी जैन, श्री मान चरित कुमार जी जैन, श्री रूपमा जैन, श्री ऋषभ कुमार जी जैन, श्री पीयूष जैन, श्री अनिल कुमार जी जैन, श्री आकृति जैन, श्री नैमी चंद जी जैन, श्री अनुज कुमार जी जैन, कुमारी दिव्या जैन, श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन, श्री सुनील कुमार जी जैन, सोनाक्षी जैन, ऋषभ जैन, श्री अरुणा आकांक्षा जैन, जयपाल जी जैन, श्री प्रदीप कुमार जी जैन, पवन कुमार जी जैन, श्री रमेश चंद जी जैन, श्री भूविंद कुमार सरोज जैन, राजेश जैन, श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, श्री सिद्धार्थ जैन, पंकज जैन, विनोद जैन, श्री दीपक प्रियंका जैन, दीपक कुमार जी जैन, कुमारी रेंसी सुनील सुशील जैन, श्री राजेश जैन, श्री मुकेश कुमार जी जैन, श्री तनीषा जैन, श्री मग्नी देवी, श्री चक्रेश रश्मि जैन, श्री स्वर्गीय श्रीमती समुद्री देवी, श्रीमान सोहनलाल जी जैन, श्रीमान दीपक कुमार जी जैन, सा परिवार से सर्वेंद्र परिवार से सर्वेंद्राणी परिवार से सुपस्थित सर्व महानुभाव से सर्व समाज से मृत्यु छिंद छिंद भिंद भिंद घुंगरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे घुंगरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे घुंगरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे घुंगरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजरे बाजरे
आरती के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी श्रद्धालुओं ने संगीत की मधुर लहरियों के साथ प्रभु की आराधना की। विधान की मांगलिक क्रियाएं सुनीता दीदी एवं पंडित आशीष जी द्वारा विधिवत कराई गईं। विधान में पधारे विजय कुमार जैन बैंक वाले, श्रीमती शकुंतला देवी जैन, सतीश कुमार जैन, रजनीश जैन, वैशाली जैन, अरुण जैन, अजीत प्रसाद जैन, राजेंद्र कुमार जैन, अखिल जैन, हरीश चंद जैन, दीपक जैन, संजीव कुमार जैन, कैलाश चंद जैन, पुष्प रोशन जैन, जयपाल जैन, श्रीमती अनीता जैन, रमेश चंद जैन, भूवेंद्र जैन, मीनू जैन, श्री चक्रेश जैन, मीनू जैन, सोहनलाल जैन, देवेंद्र जैन, रेणु जैन, सुनील जैन, सुरभि जैन आदि आदि पात्रों ने भक्ति भाव से प्रभु की आराधना की। चलते चलते क्यों वक्त खो रहा है, क्यों वक्त खो रहा है, दुनिया में चलते चलते हो। महबूस इस जहां में कोई बसर नहीं है, महबूस इस जहां में कोई बसर नहीं है, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है, पल की खबर नहीं है, लंबा सफर है तेरा, लंबा सफर है तेरा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, ओ क्यों वक्त खो रहा है, क्यों वक्त खो रहा है, क्या चलते चलते दुनिया चलते चलते हो। जिस तन को तू सजाता, जिस तन को तू सजाता है इत्र तेल मल के, है इत्र तेल मल के, देखेगी देखेगी दुनिया सारी, देखेगी दुनिया सारी, अग्नि में जलते जलते, अग्नि में जलते जल के, ओ क्यों वक्त खो रहा है, क्यों वक्त खो रहा है, दुनिया में चलते चलते, दुनिया में चलते चलते, महबूस इस जहां में कोई बसर नहीं है, महबूस इस जहां में कोई बसर नहीं है, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है, पल की 100 बरस का पल की खबर नहीं है, लंबा सफर है तेरा, लंबा सफर है तेरा, थक जाए चलते चलते, क्यों वक्त खो रहा है, ओ क्यों वक्त खो रहा है, क्यों वक्त खो रहा है, दुनिया में चलते चलते, दुनिया में चलते चलते। शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरहनाथ भगवान की, जिनके की चार चार कल्याणक यहाँ पर हुए, ऐसी पावन धरती पर आज ये हमने जो शांति विधान किया, उसकी महिमा कहना किसी के भी बस में नहीं है। और हमारा तो इस तरह से रहता है कि मेरठ नगरी में रहते हैं, जब भी मन करता है हसनापुर नगरी में आते हैं। आज पिताजी का जन्मोत्सव था, इस तरह के आयोजन में भी हम हसनापुर में धर्म लाभ उठाते रहते हैं। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धाय।
सभी को सूचित करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि भगवान शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ के इस क्षेत्र पर मुख्य द्वार, बहुत ही विशाल मुख्य द्वार का एक निर्माण हुआ है, जिसको कि डॉक्टर श्रीमती पुष्पा जैन मेरठ वालों ने कराया है। अपने पति की जो एक सपना था, उनकी बड़ी इच्छा थी कि क्षेत्र पर एक मुख्य द्वार हो, संगमरमर का हो, ऐसा हो वैसा हो, बहुत सुंदर बना हो, जिससे कि क्षेत्र की भव्यता और सुंदरता में चार चांद लग जाए। तो श्रीमती पुष्पा जैन ने, डॉक्टर पुष्पा जैन ने बहुत ही सुंदर इस गेट पर, इस क्षेत्र पर गेट का निर्माण करवाया है। तो उसका उद्घाटन 22 जून शनिवार सुबह 8:15 पर करीब यहाँ पर होना हमने सोचा है, जिस दिन 13 साल से हो रहे इस 40 दिवसीय शांति विधान का समापन समारोह भी है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है, गुजारिश है कि सभी लोग इस भव्य कार्यक्रम में आकर अपनी साक्षी बनाएं और पुण्य कमाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। जय जय जिनेन, जय जिनेन। का गुणगान करने का हम आपको अवसर मिला हुआ है, 40 दिन का प्रोग्राम चल रहा है। भगवान का गुणगान करने से अनेक जन्मों में संचित जो दुष्ट कर्म है वो भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं, आचार्य ने ग्रंथ में लिख दिया। आज की चर्चा हम कर रहे हैं बहिरात्मा, आत्मा की तीन अवस्थाएं हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब महावीर भगवान के जीव का अवलेव शेर के पर्याय से उन्होंने सुलझना शुरू करा, उससे पहले क्या थे? बहिरात्मा। जैन भगवान ने जो जीव के कल्याण का मार्ग बताया है उसमें उनका सिद्धांत नहीं था, तो बहिरात्मा कहलाए मिथ्या दृष्टि। और जब वो दो मुनि महाराजों ने उनको संबोधन करा तो फिर उनको सिद्धांत हो गया, तो वो अंतरात्मा समष्टि बन गए। और जब अंत में तीर्थंकर बने महावीर भगवान तो परमात्मा ही बन गए। तो उसी जीव के तीन अवस्थाएं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो बहिरात्म पने को छोड़ना है और अंतरात्मा को प्राप्त करना है। बहिरात्म के चर्चा के लिए मिथ्यात् को, बहिरात्मा को, मूढ़ को सब एक अर्थवाची है। तो मिथ्यात् के मोटे रूप में दो भेद, ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित मिथ्यात् जैन भगवान ने जो जीव के कल्याण का मार्ग बताया तीर्थंकर भगवान ने, उसके अलावा और जितने भी अन्य मार्ग में मतांतर वो सब मिथ्या मार्ग की, क्योंकि वो कहीं ले जा करके छोड़ देंगे, मंजिल तक नहीं पहुंचाने वाले। मंजिल पर कौन? जिन्होंने स्वयं उस मंजिल को प्राप्त करा तीर्थंकर भगवान ने, उनको पूर्ण ज्ञान था और इसलिए उनका बदला जो मार्ग है वो आप। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम में धार्मिक तंबोला प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसके पुरस्कार सुशीला जैन हस्तिनापुर द्वारा प्रदत्त किए गए। पांच जीवों को डमुकार मंत्र किसने सुनाया, कौन कौन से जीव को सुनाया और किन्ने सुनाया? नाग नागिन को सुनाया था, ठीक है, कुत्ते को सुनाया था, ठीक है, रेन मंजूसा ने तोते को सुनाया था, ठीक है, पद्म रुचि ने बैल को सुनाया था, ठीक है, चारु दत्त ने बकरा को सुनाया, ठीक है। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्षेत्र के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन साड़ी वाले दरियागंज दिल्ली, महामंत्री मुकेश जैन सराफ मेरठ, उपाध्यक्ष सतेंद्र कुमार जैन मेरठ जैन गाजियाबाद, अजीत प्रसाद जैन दिल्ली, अनिल कुमार जैन मेरठ, सुशील जैन चावल वाले मेरठ, अनिल कुमार जैन रुड़की, कुणाल जैन सरधना, मुकेश जैन महाप्रबंधक, अशोक जैन उप प्रबंधक, उमेश जैन, अतुल जैन, कमल जैन, मुकेश जैन बहसुमा, सुदर्शन जैन, दीपक जैन आदि का सहयोग रहा।